हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम अगेन। स्वागत है फिर से आपका श्वसन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट टू में। फर्स्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, आज जस्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे उससे 16 नंबर से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो स्थलीय कीट में जो श्वसन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ठीक है, इसका श्वसन अंग जो होता है क्या होता है? ट्रेकिया होता है। और मनुष्य के श्वसन अंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें फेफड़ा लिख देंगे। ठीक है, अदरवाइज पूरा अगर डिटेल्स में इसको लिखना चाह रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग? नसिका लिखेंगे, उसके बाद क्या होता है? लैरिंग्स होता है, उसके बाद क्या होता है? ट्रेकिया में जाता है ना, उसके बाद हवा कहाँ पहुँचती है? फेफड़ा में पहुँचती है। तो इस तरह से ये सारे श्वसन अंग जो हैं भाग लेते हैं मनुष्य में, है ना। अगर आप में से कोई आंसर इस तरह से डायरेक्ट फेफड़ा करता है देन उसको भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फेफड़ा भी ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से सारे श्वसन अंगों के नाम लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में जो श्वसन होता है कैसे होता है? ट्रैकिया के द्वारा होता है, डायरेक्ट सांस नली के द्वारा होता है ना। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नहीं, इंग्लिश वर्ड भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ट्रैकिया के द्वारा हो रहा है इसलिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन लिख सकते हैं, है ना। अदरवाइज इसको आप लिखिए टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, है ना। यहाँ मैं स्लैश लगा दे रही हूँ, दोनों में से कोई भी आप लिखिए, ट्रैकियल लिखिए या टेरेस्ट्रियल लिखिए। पूछा जा रहा है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या है? टेरेस्ट्रियल इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कुछ जीव जो होते हैं स्थल में, वायु में, हवा में सांस ले रहे हैं, कुछ पानी में सांस ले रहे हैं ना। और हायर एनिमल्स तो ऑब्वियसली पता ही है कि हवा में ही सांस ले रहे होते हैं। तो ये स्थलीय कीट जो होता है, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती ही नहीं है, जो श्वसन रंजक होता है वो नहीं होता है, डायरेक्ट वायु जो होती है इनके एस्पारिकल्स में, ट्रैकिया में इंटर कर जाती है। और वो कहाँ से पास होती है? ट्रैकिया से पास होती है। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग्स होती है उसी को एस्पारिकल्स कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन लिख देंगे चूंकि ट्रैकिया के थ्रू हो रही है श्वास नली जो होती है डायरेक्ट। अदरवाइज स्थलीय की बात हुई है ना, कीट है तो कैसा है? स्थल पे रहने वाला, स्थलीय कीट को कहा जा रहा है, तो इसलिए रियल रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है ना। तो आपका फेफड़े से श्वास लेने वाले में कौन सा वर्टिब्रेट हो जाएगा? ये आपका एक पक्षी हो जाएगा और इसके अलावा मनुष्य, है ना। तो इनमें फेफड़े के द्वारा सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। जस्ट प्रीवियस के भी पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, है ना, श्वसन अंगों के बारे में पूछा जा रहा था वहाँ पे। मनुष्य में जो श्वसन अंग हैं श्वसन अंगों के नाम लिखे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूछा जा रहा है कि संपूर्ण अंगों के नाम लिखे, तो वही यहाँ पर लिख देंगे। क्या होगा? संपूर्ण अंग की बात करी जा रही है तो नसिका से शुरू होगा, नसिका में गया, उसके बाद हवा कहाँ गई? लैरिंग्स में गई, उसके बाद कहाँ जाएगी आपकी? ट्रेकिया से पास करेगी हवा, है ना, और उसके बाद पहुंच जाएगी फाइनली कहाँ पर? फेफड़ा में पहुंच जाएगी। इस तरह से ये संपूर्ण अंग है जो श्वसन में भाग लेते हैं मनुष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? जो फेफड़े में श्वसन की प्रक्रिया होती है कौन कौन सी वो दो क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर? तो देखिए पहला जो होता है आपका प्रश्वास होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निश्वसन बोलते हैं। नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। इंग्लिश में देखिए मैं इसको लिख दे रही हूँ, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करते हैं हवा को। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? उच्छ्वास होती है, हवा को छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? निःश्वसन, हवा को बाहर करना। क्या होती है हवा बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपायरेशन। तो ये तीनों वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसमें तीनों में से आप कुछ भी लिखिए, ये प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रियाओं के मिलने से श्वसन फेफड़े में कंप्लीट होता है, या कहिए तो निःश्वसन और निःश्वसन,
या इसको इंग्लिश में इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन बोलिए, आपको जो भी वर्ड्स आपको याद आता है उस टाइम कुछ भी लिखिए, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 21 नंबर। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? जो भी भोजन हम खाते हैं पच गया, कहाँ पचा? छोटी आंत में ना, फाइनली हमारा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में होता है और फिर वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होना है। क्या वहीं छोटी आंत में भोजन रहेगी? नहीं ना। तो ऊर्जा का उत्पादन होने के लिए क्या होगा, वो हर एक कोशिका तक पहुँच जाएगी जो भी भोज्य पदार्थ है, और उस कोशिका में जब पहुँच गई तो ऊर्जा का प्रोडक्शन कैसे होगा, वहाँ पर श्वसन प्रक्रिया द्वारा वायु आएगी। कौन सी वायु आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है, तो कौन सी क्रिया है वो? श्वसन क्रिया से। इष्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? कौन सी क्रिया होती है इष्ट में जिससे कि इथेनॉल बनता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनती है, किण्वन क्रिया द्वारा, ठीक है। और इस किण्वन प्रक्रिया द्वारा इष्ट में पाइरुवेट से जो इथेनॉल बन रहा है वो कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है, है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इष्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस श्वसन के द्वारा बनता है, तो अवायवीय श्वसन। देखिए इसको यहाँ पे मैंने और करके दिखा दिया है, इष्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस श्वसन द्वारा बनता है, ताकि आपके दिमाग में रहे जब वीडियो को आप देखें उस समय। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अवायवीय श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस जगह के निर्माण से होता है? जब हम ज्यादा चलते हैं तो हमें एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं या जो भी खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, शारीरिक काम उनका ज्यादा होता है, तो उस समय ऑक्सीजन की जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा होती है। जब ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन का सप्लाई उतनी फास्टली हो नहीं पाता है, तो क्या करता है शरीर, जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन होता है उसी का यूज करके वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ताकि फास्ट उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे। तो इसलिए वो कौन सा यौगिक है, लिखेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड जो होता है जॉइंट्स पे डिपॉजिटेड होने लगता है, इसी की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है। कि ये क्वेश्चन जो है 24 नंबर, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है दूसरे चरण में, जो वायवीय श्वसन होता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रसनी जो होती है कंठ द्वार के नीचे जब जाती है तो वहाँ पर ये लैरिंग्स में खुलती है ना, लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स को और भी क्या कहते हैं, स्वरयंत्र कहते हैं, लिख देंगे यहाँ पर स्वरयंत्र में खुलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो श्वसनी जो फेफड़ा में जाती है वहाँ पे भी बहुत सारा डिविजन्स होता है, देखिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, श्वास नली है, श्वास नली, इसके बाद ये श्वास नली दो पार्ट में इस तरह से बढ़ जाती है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, श्वसनी कहलाता है ना, और फिर श्वसनी जो है आपका इस तरह से जब लंग्स में एंटर कर गया तो इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग्स हो रही होती है ना, तो ये जो ब्रांचिंग्स होती हैं, ये जो डिविजन्स होता है यहाँ पर, ये जो पाइप्स होती हैं, इसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक श्वसनी, ये देखिए श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर, जब फेफड़ा में प्रवेश कर गई तो विभाजित होने के बाद क्या बनाती हैं, श्वसनिकाएं बनाती हैं, श्वसनिकाएं आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो कहाँ अवस्थित रहता है ये बताइए, वक्ष गुहा में रहता है ना, याद आ रहा है जो मैंने कराया था आपको, बताया था ये क्या होता है, डायफ्राम होता है ना, और डायफ्राम के ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं, और इसी में डायफ्राम के ऊपर वाला ये पोर्शन जो हो गया आपका वक्ष गुहा हो गया, और नीचे वाला क्या होता है, उदर गुहा होता है, और इसी वक्ष गुहा में है ना आपका क्या स्थित होता है, फेफड़ा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 28 नंबर, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा है ना, गुंबद के आकार, गुंबद मतलब डोम शेप जो मैं बोल रही हूँ, और वक्ष गुहा के पश्च भाग मतलब पीछे है ना, तो पीछे वाला भाग में वक्ष गुहा के क्या था, डायफ्राम है ना, इसको डायफ्राम कहते हैं संरचना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। तो हीमोग्लोबिन जो है कहाँ होता है, रक्त में होता है ना, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो खून होता है वो लाल दिखता है, और ये स्पेशली होता है लाल रक्त कणिकाओं, इसको शॉर्ट में RBC कहते हैं ना, रक्त में। चलिए इस तरह से 29 क्वेश्चन हमने कवर किया, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ऑक्सीकरण क्रिया के बाद, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त से फेफड़े में पहुँचती है, और फेफड़े से उस हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बाहर निकलने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं ना, उच्छ्वास, या क्या कहेंगे, निःश्वसन कहेंगे, ठीक है। तो गाइस जिस तरह से श्वसन की अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सेकंड पार्ट को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।